हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। और आज हम यहाँ पे पीपीएससी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पीवाईक्यू 2015 के। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से। सो लेट सी क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज़ 1s2, 2s2, 2p5। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की है इसने। तो फर्स्ट सबशेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दो, ठीक है। दूसरे में भी दो, तो दूसरे में, तीसरे में पी में क्या हो गए, 2 and 2, 4 हो गया, और एक हमारा क्या बच गया यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, 1, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो कितने होंगे हमारे पास, 1, ठीक है जी। वो आपने ज़रूर ऐसे देखा होगा, 1s2, ठीक है, 2s2 दूसरे से उसमें, ठीक है। फिर हमारा होता है 1s2, 2s2, फिर हमारा 2p5। तो इसको ऐसे करके कट करते हैं हम, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2p5, ऐसे करके आपने देखा होगा, पक्की बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पहले शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, और तीसरे में हमारे पास पेयर्ड में 4, और एक बचा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर, ओके, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, हाँ जी, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट ए गुड सॉल्वेंट, कहता है कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जो आपको गुड सॉल्वेंट बनाती है। वाटर को कौन गुड सॉल्वेंट बनाता है, इसकी हाई डाइपोल मोमेंट जो है वो इसको क्या बनाती है, गुड सॉल्वेंट बनाती है, ठीक है जी। गुड सॉल्वेंट बनाती है किसको, वाटर को, ठीक है। तो वाटर को जो गुड सॉल्वेंट बनाता है वो कौन बनाता है, इसकी हाई डाइपोल मोमेंट। हाई डाइपोल कब होती है, किसी चीज़ की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उसी की क्या होगी हमारे पास, हाई डाइपोल मोमेंट भी उसकी हाई होगी। और जितनी ज़्यादा आपकी डाइपोल मोमेंट हाई होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो लिक्विड जो है वो ज़्यादा अच्छा गुड सॉल्वेंट होगा, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव फर्दर, हाँ जी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ इसको, हाँ जी। अब पढ़िए, अब पढ़ो, कहता है रेडोन इज द हैवीएस्ट गैस, सेकंड वन इज द एस्टेटाइन, टाइन इज ए रेयरर एलिमेंट ऑन अर्थ, थर्ड वन इज द ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा उसने, तो कौन सी करेक्ट है इसमें से, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। पहली रेडोन इज द हैवीएस्ट गैस, ये भी करेक्ट है। एस्टेटाइन इज द रेयरर एलिमेंट, ये भी करेक्ट है। थर्ड ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ईयर स्टूडेंट, फैक्ट, ऐसे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ो, नहीं, उसमें से कुछ फैक्ट्स हैं जैसे ग्रेफाइट के ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, उसकी वर्सेटाइल नेचर है ना, रेयर एलिमेंट्स कौन सी हैं, हैवीएस्ट कौन सी है, लाइटेस्ट कौन सी है, राइट, नॉन मेटल, मेटल, ठीक है, नॉन मेटल में से कौन सी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करती हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके ओके जी। सो लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 15 पीजिए, पढ़िए। हाँ जी, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करता है वो, तो कौन सी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना स्टूडेंट, तब हम वहाँ पर देखेंगे नेट प्रोडक्टिविटी वाला एक इकोसिस्टम पे एक वो है, चैप्टर है, वहाँ पे मैं आपको एक पूरी लिस्ट बनवाऊँगी किसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा आपके सामने कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की किसकी सबसे कम है, किसकी कम होती है, एस्चरीज की सबसे कम होती है ना। तो ये जो है वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हमारी बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है जी। ओके ओके, हाँ जी। सो लेट्स मूव फर्दर, हाँ जी। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
इसने यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट किया ना स्टूडेंट, वो इनकरेक्टली पूछे, इनकरेक्टली पे क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जब भी ऐसे हो ना इनकरेक्टली नॉट करेक्टली, आप उसको जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा टाइम ले लो। बट हाँ, जब आपको पता लग जाए कि हाँ जी ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता, तो फिर उस टाइम पे अगर नहीं आता फिर आप दिमाग के घोड़े ज़्यादा मत दौड़ाओ, ठीक है। फिर आप वहाँ पे बस उस क्वेश्चन को या तो लीव कर दो, या अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाओ, फटाफट से डिसीजन लो जो भी आपको लेना है, ठीक है, और आगे बढ़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन पे कभी भी स्टक होके नहीं रहना होता कि 5 मिनट आप एक ही क्वेश्चन पे बैठे हुए हो, ठीक है, इससे पेपर में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई इनकरेक्टली या करेक्टली स्टेटमेंट है, नॉट पूछा हुआ उसमें, तो हमेशा स्टूडेंट उसको हमेशा हाईलाइट करो, ठीक है जी। ओके, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे। हाँ जी, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कहता था बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। नो, बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू ट्रांस बाउंड्री। ट्रांस बाउंड्री ऑफ हजार्डस हजार्डस वेस्ट को रोकने के लिए हमने बेसल कन्वेंशन बनाया था, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हजार्डस वेस्ट जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंट्री जो है वो उसके पास वो न्यूक्लियर यू नो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, जहाँ से क्या होगा कुछ न्यूक्लियर वेस्ट भी बाहर आएगा, है ना, रेडियो एक्टिव होगा वो वेस्ट जो होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपना बॉर्डर क्रॉस करके और कोई कोई अनडेवलप्ड कंट्री है साथ में, या मान लो कोई ट्राइबल एरिया है वहाँ पे जाके, कोई फॉरेस्ट है, रिवर है, वहाँ जाके उसने डंप कर दिया, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करके। तो इससे होता क्या है स्टूडेंट, इसमें इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को, वहाँ पे जो भी ट्राइबल पीपल रह रही होगी, इंडिजीनियस जो भी वहाँ पे यू नो जो भी कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन वहाँ पे रह रही होगी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बिकॉज वो अनअवेयर होगी, है ना। तो जो वेस्ट है वो क्या होगा, अगर वो किसी यू नो फॉरेस्ट के अंदर पड़ा है, तो उस फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई पर्सन है, मान लो वो कलेक्ट करने जा रहा है कोई चीज़ें, राइट, वुड है, ठीक है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उसके थ्रू उसकी बॉडी में आ जाएगी, तो पूरी फूड चेन में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो मिक्स हो जाएगी वहाँ पे, राइट, और वो वेस्ट भी है, है ना, और भी ज़्यादा हार्मफुल है, वेस्ट सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे बेसल कन्वेंशन जो है वो रोकता है ट्रांस बाउंड्री ऑफ हजार्डस वेस्ट, कि कोई भी पर्सन जो है वो बॉर्डर क्रॉस ना करे, ठीक है, फॉर द वेस्ट डंप, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेस्ट डंप करने के लिए आप जो है वो धड़ाधड़ किसी अनडेवलप्ड कंट्री में, जैसे मान लो कि अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे कोई डेवलप्ड कंट्री जो है वो आके अपना वेस्ट जो है उसको डंप करती जा रही, ठीक है, खास करके हजार्डस वेस्ट, ठीक है जी। ओके, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, तो पढ़िए आप क्या चीज़ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ना स्टूडेंट, वो हमारी ओजोन लेयर को सेव करने के लिए बनाया गया था। तो डू कमेंट स्टूडेंट, ओजोन लेयर कौन सी लेयर के अंदर मिलती है हमें, ठीक है, कौन सी हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसमें हमें ओजोन लेयर मिलती है। तो यहाँ पे आपको बताना है स्टूडेंट कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो स्टूडेंट ओजोन लेयर के लिए था, ना कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए था, ठीक है। तो ओजोन लेयर को सेव करने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यू नो साइन किया था, और साइंड जितने भी मेंबर्स थे उनको CFC जैसे कंपाउंड्स को क्या करना था अपनी कंट्री में धीरे धीरे बैन करना था, या धीरे धीरे उन्हें एलिमिनेट करना था, ठीक है जी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो तीसरा देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल फॉर द क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन। यू ऑलरेडी नो कि रामसर कन्वेंशन जो है स्टूडेंट वो हमारी वेटलैंड के ऊपर है, ठीक है, ये हम क्लास में पढ़ेंगे वेटलैंड क्या चीज़ होती है, राइट, ठीक है, कैसे बनते हैं ये, कहाँ कहाँ बनते हैं, इंडिया में कितने वेटलैंड हैं, डू कमेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन इज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, नॉट फॉर द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो ये भी गलत हो गया, पूछे क्या, इनकरेक्टली पूछे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4 जो है वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन, कहता था टारगेट्स फॉर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल कवर एमिशंस ऑफ द 6 मेन ग्रीनलैंड गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट वन ऑफ दीज।
अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन जो था उसमें 6 मेन आपकी ग्रीनलैंड गैसेस थी, ग्रीन हाउस गैसेस थी, इनमें से कौन सा नहीं है बस वो पूछना है आपको, ठीक है? तो कौन सा नहीं है ये बताओ आप। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बिल्कुल हमारा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, ये नहीं है। बाकी हमारे तीनों हैं वो इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, हमारे क्योटो प्रोटोकॉल की 6 गैसेस में। तो स्टूडेंट आप नेट पे ज़रूर चेक करना कि अब तक कितनी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ऐड कर दी गई किसके अंदर, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। इसको अपडेट ज़रूर करना क्योंकि अपडेटेड लिस्ट में से हो सकता है इस बार क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर सेट कर ले PYQ को देखकर, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर अपडेट करना, ओके जी, ठीक है जी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बना, ए नॉट, इसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CTC दैट इज़ नॉट द क्योटो प्रोटोकॉल में उसको ऐड नहीं किया गया एज ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है चूज द करेक्ट वन, करेक्ट वन बताना है हमें कौन सा है, तो बताओ कौन सा है इसमें से, ठीक है, चूज द करेक्ट वन, करेक्ट पूछा है स्टूडेंट। फिर से क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है स्टूडेंट हमारा, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है स्टूडेंट, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। दारा राजस्थान बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। त्रिम्बकुल्लम जो है वो कर्नाटका में, नहीं 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 दिस इज इन केरला, ये कहाँ पे है, त्रिम्बकुल्लम जो है, कुल्लम वर्ड जहाँ पे आ जाए ना ये सारे केरला के अंदर ही होते हैं, लगभग उधर वाली साइड ही होते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क इज इन द कर्नाटका नॉट इन द तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है। ये अब टाइगर रिजर्व बना दिया त्रिम्बकुल्लम को, ठीक है। तो दारा इन राजस्थान दिस इज द करेक्टली मैच ऑप्शन, ठीक है जी। दारा जो है वो कहाँ पे है हमारा, हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटिव स्पीसीज ऑफ इंडिया, नेटिव स्पीसीज ऑफ इंडिया पूछी है हमने, ठीक है। तो कौन सी है, टू हॉर्न रेहानो, नहीं हमारे यहाँ पे वन हॉर्न रेहानो मिलता है, ये तो नहीं है नेटिव, ठीक है। कमांडो ड्रैगन नहीं है, ठीक है। रिजिज मंकी जो है ये हमारा क्या है स्टूडेंट, हमारी नेटिव स्पीसीज है किसकी, हमारे इंडिया की। तो रिजिज मंकी जो है दैट इज आवर नेटिव स्पीसी ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इवन मैंने आपको क्लास में भी समझाया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो पढ़ो फिर क्वेश्चन, कहता हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है, क्या चीज़ होती है BOD और COD, मैंने आपको कई बार समझाया स्टूडेंट, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जब फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फॉस्फेट जब वो ऐड करते हैं, ठीक है, तो जितना भी वो जो एक तरीके का वो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, न्यूट्रिएंट देने के पर्पज़ से तो हम ऐड करते हैं ना, तो जो एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है जब वो डिसॉल्व होकर किसी रिवर के अंदर, लेक के अंदर या पाउंड के अंदर वो पेस्टिसाइड्स चले जाते हैं, ठीक है, तो वो एक्ट करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट का। इवन जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर, उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें भी वो भी न्यूट्रिएंट का एक्ट करता है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। तो स्टूडेंट होता क्या है, जैसे कोई पोल्यूटेड रिवर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है ना स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको वो ब्रेक करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की। तो ज़्यादा डिमांड ऑक्सीजन की कब होगी स्टूडेंट, जब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन, हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी किसकी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है जी, ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच कौन सा नहीं है ये पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अटपटा सा है, ठीक है, इवन ये भी तक पता नहीं चल रहा कि ये कौन से सब्जेक्ट से इन्होंने क्वेश्चन पुट किया, बट हाँ मैंने थोड़ा मतलब इसको जब नीचे ऐसे देखा स्क्रॉल करके तो नीचे हमारे यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो इट मीन्स इट मे बी रिलेटेड टू पॉलिटी सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आप पढ़ो इस क्वेश्चन को,
ठीक है, कहता है सोशियोलॉजिकल अप्रोच जी सी कैटलिन, ठीक है, फिलोसफिकल अप्रोच लियो स्टेटस, फिर है हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच जॉन रॉल्स, नो नो नो, हिस्टोरिकल अप्रोच जो थी वो जॉन रॉल्स की नहीं थी, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच कार्ल जे फ्रेडरिच। सी हियर स्टूडेंट, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑलमोस्ट किसी को नहीं आते होते, किसी को भी नहीं आते होते, बट इन पीपीएससी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपका जो वो हो ना इंट्यूशन आ रही हो अंदर से कि हाँ यार ए बी सी डी है ना, कई बच्चे तो जय माता करके भी लगा जाते होते हैं, ठीक है, तो जो आपका मन करे आप वो लगा देना जिस पे आपको इंट्यूशन सेट सी बैठ रही हो आपकी, ठीक है, क्योंकि पता तो होता ही है कि गलत तो है ही यार, है ना, तो स्किप करने का पॉइंट नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सो दैट्स वाई स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे मार्क कर देना, ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो राइट, और अगर अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग आने वाले टाइम में आ भी जाती है तो फिर आप पक्का स्किप करना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, फिर उन पे अटेम्प्ट करने का या उनको तुक्का लगाने का या फिर ऐसे बैठ के उसको सोचने का टाइम ही नहीं होता। मैं कहती हूँ टाइम सेव करो सो दैट आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से कर ले जा पाओ जिन पे आपको थोड़ा सा यू नो डाउट आ रहा हो, जैसे मान लो आप 50% पे पहुंच गए है ना, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, अब उस पर आपको थोड़ा सोचने पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 15-20 सेकंड का ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वहाँ उन क्वेश्चन पे आप लगाओ टाइम, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, ये पढ़ो आप। कहता है हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ए न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, ठीक है, किसने बोला ऐसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो एक न्यू चार्टर है बॉन्डेज का, ठीक है, तो ऐसा बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई 1935 का जो एक्ट आया है उसके अंदर इन्होंने डोमिनियन ऑफ स्टेटस की तो बात की ही नहीं, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की इन्होंने बात ही नहीं की, ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, दोबारा से एक न्यू चार्टर इन्होंने वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया फॉर द बॉन्डेज लेबर, ठीक है, भाई हम तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं, हम तो गुलाम के गुलाम ही हैं, है ना, तो ये जो 1935 का एक्ट था उसको उसने क्या बोला, न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, ये किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन इज द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी, सो लेट्स मूव फर्दर, तो 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट एडवोकेटेड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, किसने बोला ऐसा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में, किस थ्योरिस्ट ने कुछ वो किया था, तो कौन था स्टूडेंट इसके अंदर से बताओ, ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन बताओ, तो इसका था सी बी मैकफेरन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चंस कई बार नहीं भी आते हमें, है ना, ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं आते हो रहे, कोई कौन इतने डिटेल में बैठ के पढ़ता है, ये बहुत ही यू नो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही रेंडमनेस शो करते हैं पेपर में, और यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा रेंडम क्वेश्चन आते हैं, ये तो फिर पीपीएससी है, ठीक है, तो यूपीएससी में तो आपके 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद समझ ही नहीं आता कि एग्जामिनर ने कहाँ से सेट किए हैं क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पे बैठ के जो गुस्सा आता है आपको एग्जामिनर पे, ठीक है, बट हाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में सी बी मैकफेरसन ने बात की थी, ठीक है जी, ओके, लेट्स मूव फर्दर, हाँ जी, 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, हाँ जी बताओ जी, हाँ जी, कहता था ड्यूटी ऑफ एन ऑपोजिशन इज टू प्रपोज नथिंग, टू अपोज एवरीथिंग एंड टू टर्न आउट द गवर्नमेंट, हु सेट दिस, कहता है इसने ऐसा किसने बोला कि भाई अपोजिशन का काम वो तो कुछ करते तो है नहीं, ड्यूटी तो उनकी कुछ है नहीं, ठीक है, हर चीज़ उन्होंने अपोज करनी है पार्लियामेंट में, ठीक है, एक ही पर्पज़ होता है कि कैसे ना कैसे बस गवर्नमेंट गिरा दी हम, है ना, यही काम होता है अपोजिशन का, और क्या होता है, ना खुद कुछ करना है, ना तो कुछ सजेशन ढंग के देने हैं बैठ के पार्लियामेंट में, बस पूरा दिन क्या करना होता है, अपोज ही करना होता है, गवर्नमेंट कितना अच्छा बिल ले आए उसको अपोज ही करना होता है उन्होंने, उनका यही पर्पज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका आंसर है जॉर्ज टायरने, ठीक है, टायरने, जॉर्ज टायरने ने ये स्टेटमेंट दी थी, ओके जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाँ जी, तो एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ जी, तो क्या बोलता है यहाँ पे, सबसे पहले तो उसने बोला 93rd अमेंडमेंट, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन आप जो है उसको अटेम्प्ट करो फटा, पहले आप पढ़ लो, ठीक है, पहले आप पढ़ लो क्वेश्चन को,
हाँ जी क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ इसको। अब आप इसके करेक्ट ऑप्शंस को चूज करो। हाँ जी, तो क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका? बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, बी। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, इसका मतलब 93 अमेंडमेंट जो है वो किसके लिए पास की थी हमने, सॉरी 93 हमने पास किए स्टूडेंट्स, 93 पास किए स्टूडेंट्स हमने रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर बी का 4, इट मींस 97th अमेंडमेंट के अंदर हम क्या लेकर आए, कोऑपरेटिव एक्ट लेकर आए थे, ठीक है। 24th अमेंडमेंट जो है स्टूडेंट वो हमने की थी स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 24th अमेंडमेंट की हमने, पार्लियामेंट टू पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। और 26th जो है स्टूडेंट वो हमने की यहाँ पे, कौन सा बच गया, सेकेंड, हाँ 26th जो है वो हमने की थी सेकेंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे, अबॉलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ प्रिंसली स्टेट टाइटल्स एंड पेंशंस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। तो बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, 26th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट प्रिटेन टू एडिशनल ऑफ मोर लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसने क्या नहीं किया, लैंग्वेजेस ऐड नहीं किए, ठीक है, तो वो बताना हमें, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, तो 21st क्वेश्चन, डज नॉट प्रिटेन, तो नॉट पे लगाओ आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हियर 21st अमेंडमेंट जो थी उसने हमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड करवाया था, ठीक है, उसके अंदर हमने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था, ठीक है, जो हमारी 71st था। 71st में तो हमने बड़ी सारी लैंग्वेज ऐड की, जैसे कि कोंकणी ऐड की हमने उसमें, ठीक है, और कौन सी ऐड की हमने, मैथिली लैंग्वेज ऐड की, ठीक है जी, और हमने यहाँ पे नेपाली ऐड की, ओके। और 92nd अमेंडमेंट के अंदर हमने ऐड की थी यहाँ पे बोडो और डोगरी, बोडो और डोगरी जो है वो हमने ऐड की थी, ठीक है, कोई एक आधी रह गई हो तो प्लीज़ आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। 29th अमेंडमेंट के अंदर हमने कोई लैंग्वेज ऐड नहीं की थी, सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज नॉट प्रिटेन टू एडिशन ऑफ मोर लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। इससे आपको ये भी पता चला कि 8th शेड्यूल जो है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस से है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस को ऐड किया हुआ है जिनको हम ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं, इवन हम उन लैंग्वेजेस में एग्जाम भी दे सकते हैं, इवन पंजाबी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 8th लैंग्वेज, ठीक है। 8th लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज ऐड होती है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे बेसिक कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि उस लैंग्वेज की एक अपनी खुद की एक हिस्ट्री होनी चाहिए, उस लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए रिटन फॉर्म में, उस लैंग्वेज की एक ग्रामर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप जो है 8th शेड्यूल में आप क्या करते हो, लैंग्वेजेस को ऐड करते हो, ठीक है। जो हम बोलीज बोलते हैं ना, जो हमारी बोली होती है, लोकल बोली होती है, जैसे कि हरियाणवी एक लोकल बोली है, राजस्थानी एक लोकल बोली है ना, वो नहीं ऐड करते, ठीक है, दे आर लोकल बोलीज, लोकल एक तरीके का स्पोकन है वो, ठीक है, वो लैंग्वेज में उसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कोई ग्रामर भी नहीं है, ना उसकी कोई हिस्ट्री है और ना ही कोई उसकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। जैसे पंजाबी की जो हमारी स्क्रिप्ट है दैट इज़ द गुरमुखी, हिंदी की देवनागरी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा इन बेसिस के ऊपर 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस ऐड। अच्छा, कितनी टोटल लैंग्वेज है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अभी, ठीक है। तो कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में, ये आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, 27th नंबर क्वेश्चन देखो। कहता है एज ए मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सरदार पटेल डिड नॉट लीड विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज। सरदार पटेल ने कौन सी कमेटी को लीड नहीं किया, ये पूछा उसने। तो कौन सी कमेटी को लीड नहीं किया था स्टूडेंट, कमेटी ऑन डिवोल्यूशन टू द पावर ऑफ यूनियन।
ठीक है, कमेटी ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द यूनियन, इसको उसने लीड नहीं किया था, मतलब कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी कमेटी ऑन ट्राइबल में भी किया, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज में भी किया उसने, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट में भी किया था उसने, तो तीनों में किया था एक्सेप्ट उसने कमेटी ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द यूनियन में नहीं किया उसने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हम ये सेशन करते हैं यहाँ पे ओवर, राइट। बाकी जो बचा है उसको हम करेंगे कल वाले सेशन में, ओके। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अभी फेस्टिवल सीजन है, राइट, तो आई नो कि आप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी तो एक वीक बाकी है दिवाली को, बट आई नो कि हाँ सब घरों में फुल टू फुल जोश होता है इस टाइम पे, सब वैसे फेस्टिवल के मूड में होते हैं। बट हाँ, उसके साथ साथ स्टूडेंट पढ़ते भी रहना, ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई छोड़ दो इस चक्कर में, ठीक है, पढ़ते रहना स्टूडेंट। और इसी के साथ स्टूडेंट, हमारा PCS का न्यू लाइव बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 नवंबर। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर इवन आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई डाउट आ रहा है, तो भी आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इवन हमारी फैकल्टी के साथ भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट फटाफट से अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए, ये PCS का बैच लाइव भी है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, और आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टीचर से आप बात कर सकते हैं, ओके जी, ठीक है जी। सो इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।